कहानी एक जॉर्ज नामी बच्ची से शुरू होती है जो बहुत शरारती है। वो हर वक्त इधर से उधर घूमती फिरती है और जब भी गिरने लगती है हर बार उसके डैड उसे बचा लेते हैं। वो अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे पैदा होते ही मेरी मदर का इंतकाल हो गया था, मेरे डैड ही मेरा ख्याल रखते हैं। वे एक फायरमैन थे, उन्होंने बहुत लोगों की जानें बचाई लेकिन मुझे संभालने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। वो भी अपने डैड की तरह एक अच्छी फायर वूमेन बनकर लोगों की जान बचाना चाहती है, इसीलिए सारा दिन वो इस तरह के खेल खेलती है जैसे वो फायर वूमेन बनने की ट्रेनिंग ले रही हो। इस तरह के कामों में खतरा होता है मगर उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पास उसके हर खतरे से बचाने वाले डैड जो होते हैं। एक दिन उसके डैड भी उसकी ऐसी हरकतों से तंग आ जाते हैं। इस तरह के खेल मत खेलो जॉर्जिया, वो कहती है। आखिर क्यों, मैं आप जैसी नहीं बन सकती, वो कहते। बन तो सकती हो लेकिन लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए, तो मेरी बात समझो। वो इस बात से काफी दुखी हो जाती है, वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ उसके डैड भी काफी परेशान होते हैं। वो अपने डॉग से कह रहे थे कि मैं एक दिन जॉर्जिया को सब बताऊंगा, यानी वो इससे कुछ छुपाते हैं। कहानी 10 साल आगे पहुंच जाती है। एक जगह थिएटर में अजीब सी आग लगी थी, इसका धुआं लाल और नीला था। वहाँ पर आग बुझाने वाले सभी गायब हो जाते हैं। शहर के सारे थिएटर इस तरह की आग में जल गए थे, साथ ही सभी फायर मैन भी गायब थे। जॉर्जिया 10 साल बाद काफी बड़ी हो चुकी थी। वो अपने डैड के साथ मिलकर कपड़े सिलाई का काम करती थी। वो शहर में होने वाली सभी खबरों को इग्नोर किया करते थे। जब वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो एक फाइट ट्रक तेजी से उनके सामने से गुजरता है। उसके फादर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन जॉर्जिया अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए घर की छत पर ट्रेनिंग किया करती थी। उसके ख्याल में लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, लड़कियां भी लड़कों वाले सारे काम कर सकती हैं और वो भी एक फायर वूमेन बन सकती है। अचानक उसे अपने घर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। ये आवाज इस शहर के मेयर की थी जो शहर की बुरी हालत के मद्देनजर दोबारा जॉब स्टार्ट करने का कहते हैं क्योंकि वो अपने काम में काफी माहिर होते हैं। जॉर्जिया के डैड शहर की खराब हालत देखकर मना नहीं कर पाते, वो मान जाते हैं। जॉर्जिया भी सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो भेष बदलकर अपने डैड की टीम में जियो नामी एक लड़का बनकर शामिल हो जाती है। उसके डैड को बदकिस्मती से सारी टीम बहुत सुस्त और निकम्मी मिली थी। जब वो मिशन पर जाते हैं तो उनका ड्राइवर बहुत सुस्त नजर आता है। एक आदमी जब अंदर आग बुझाने गया था वो अंदर जाते ही गायब हो गया था। जल्द वह बिल्डिंग से निकलने वाले पर्पल धुआं के अंदर जाती है तो एक बड़े मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है जो कि धुएं से बना होता है, जो कि बहुत खौफनाक बहुत डरावना था। वो उसे मारने की धमकी देता है। धुएं का एक बॉल उसकी तरफ फेंका है, जॉर्जिया उसे उठाने लगती है। तभी उसके डैड उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं। उन्हें अपनी टीम पर बहुत गुस्सा आता है, सुस्त होने की वजह से वो उन्हें अपनी टीम से बाहर निकालने वाले होते हैं लेकिन सभी माफी मांग लेते हैं। उनका घर जहाँ जॉर्जिया और डैड रहते हैं उनके पीछे से पहले ही जॉर्जिया घर में मौजूद थी, इसलिए उसके डैड को बिल्कुल शक नहीं होता। अगले दिन जब दोबारा जॉब पर जाते हैं तो जॉर्जिया के साथ साथ सबको ट्रेनिंग दी जाती है। वो उस केस को हल करने के लिए निकलते हैं जहाँ आग लगी हुई है। दोनों महसूस करते हैं कि पिछले 10 दिनों में वो जिस जगह आग बुझाने गए थे हर थिएटर में आग लगते वक्त एक खास किस्म का म्यूजिक बजता है। उनका ख्याल था कि इसकी वजह से शायद मॉन्स्टर जागता है। तभी जॉर्जिया अपने डैड को वही बॉल देती है। उसको संभालने पर उसके डैड जॉर्जिया को शाबाश देते हैं। वो उसे चेक करने के लिए लैब में चले जाते हैं। तभी जॉर्जिया इस थिएटर के अंदर शहर के मेयर को आते हुए देखती है। वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। जॉर्जिया परेशान होकर उसका पीछा करने लगती है क्योंकि फायर म्यूजिक को बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मेयर ही था। वो छुकर आवाज रिकॉर्ड करके अपने डैड के पास जाती है। वो किसी तरह इस बाल को तोड़कर आग लगने वाली केमिकल को जानने में अभी भी नाकाम थे। जॉर्जिया के रिकॉर्ड किए हुए म्यूजिक को वो इस बॉल के आगे चलाते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि म्यूजिक के बजते ही बॉल टूट जाती है और इसमें से केमिकल निकल कर वहाँ आग लग जाती है। जिसने उस आग
को देखा था वो हैप्नोटाइज होकर वहीं पर रुक गया था। जॉर्जिया सबको वहां से बाहर निकालती है। इस सारे वाक्य के बाद वो लोग जान चुके थे ये आग किस तरह की है, आग से उन लोगों को किस तरह मुकाबला करना होगा। वो लोग अब तैयार होकर अपने अगले मिशन के लिए निकलते हैं जिधर हर तरफ आग लगी होती है। अंदर लोग फंसे होते हैं। जॉर्जिया अपने एक जानने वाली को बचा नहीं पाती। ये बात उसके दिल को बहुत दुखी करती है। वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी कि वो एक लड़की को नहीं बचा पाई। उसके डैड अपना काम खत्म करके उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि फायरमैन बनना इतना आसान नहीं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बुरे हादसे भी हमारे साथ होंगे। अगले दिन जब वो दोबारा मेयर का पीछा करते हुए थिएटर तक जाते हैं, क्योंकि वो अपने डैड को मेयर के बारे में सब बता चुकी थी। जॉर्जिया के डैड दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं, तभी मेयर खुद दरवाजा खोल देते हैं। तभी वो मेयर की फुंसी, जो इस वक्त चोट लगने की वजह से व्हील चेयर पर थी, टकरा कर कहीं नीचे पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलते ही वो हैरान थे, जहाँ एक लैब थी यहाँ आग लगाने वाली बॉल्स बनाई जा रही थी। जो भी ये कर रहा था आखिर वो क्यों कर रहा था? असल में वो एक एक्टर था और किसी थिएटर ने उसे काम नहीं दिया। इसी गुस्से में वो सब थिएटर को जला रहा था और आखिर उसका इस शहर को जलाने का प्लान था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें शहर के सारे गायब हुए फायरमैन मिल जाते हैं, जिन्हें उसी आदमी ने हैप्नोटाइज करके गायब किया होता है, जो कहानी के शुरू में गायब हुए थे। ये सब जॉर्जिया की वजह से मुमकिन हो पाया था। उसके डैड बहुत खुश थे, वो उसे अपना बेटा कहकर बुलाते हैं, जहाँ जॉर्जिया भी जज्बात में आ जाती है। तभी वो समझती है कि शायद यही सही मौका है अपने डैड को ये बात बताने का कि वो अपना भेष खत्म कर देती है और बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और उसके डैड खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गए थे। जॉर्जिया को भी अब गुस्सा आता है कि आखिर क्यों उन्हें खुशी नहीं हुई, मैंने तो अपना इतना अच्छा काम किया है। तब उसके डैड उसको एक सच्चाई बताते हैं, वो सच्चाई जो आज तक उन्होंने उससे छुपाई थी। वो ये कि वो उसकी असल डैड नहीं थे। वो परेशान हो जाती है। वो बताते हैं कि मैं एक घर में आग बुझाने गया था, बदकिस्मती से सभी लोग आग में मर गए थे, उनकी एक छोटी बेटी थी, उन्होंने मुझे देकर इसका ख्याल रखने का बोला, वो तुम ही थी। मैंने भी वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम खतरों से खेलो और हमारा वादा टूट जाए। उसी वक्त बातों के दौरान वहाँ एक धमाका हो जाता है। जॉर्जिया को तो उसके डैड बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर बेहोश हो गए थे। वो मकार इंसान जो ये सब कर रहा था, वो भी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कोई और नहीं बल्कि पोलन ही थी, जिसके मरने पर जॉर्जिया इतनी दुखी हो रही थी। वो मरी नहीं थी बल्कि मरने की एक्टिंग करना उसकी एक प्लानिंग थी। वो जॉर्जिया को उसके शहर को तबाह करने का कहकर धमकी देकर चली जाती है। जॉर्जिया जल्दी से अपने डैड को उठाती है। वो अपनी बेटी को मिशन देता है कि वो पोलन को रोके। वहाँ सारे फायरमैन को छुड़वाने के काम में लग जाते हैं। अब पोलन शहर को तबाह करने के लिए शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ चुकी थी। उसने पूरे शहर में वो बॉम्ब फैला दी थी जिसकी वजह से आग लगती है। इसके लिए उसे पहले की तरह ही वो म्यूजिक चलाना था जिसकी वजह से वो बॉम्ब आग पकड़ती थी। इससे पहले वो शहर को तबाह करती, जॉर्जिया उसको रोकने के लिए उसके पीछे आ गई थी। जॉर्जिया के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ एक मिनट था उसे शहर को बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए। वो एक पिलर के जरिए जाकर उस म्यूजिक की तार काट देती है। ये देखकर पोलन को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉर्जिया को धक्का देकर गिरा देती है। वो अपने डैड की दी हुई उसी रस्सी से लटक गई थी जहाँ उसने अपने आप को खुद बचाया था। पोलन अब खुद भी गिर चुकी थी। जॉर्जिया एक अच्छी फायर वूमेन होने के नाते उसे पकड़ लेती है। तब उसके डैड भी अपनी गाड़ी को उड़ाते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर खींचकर दोनों को बचा लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर को बचाने के लिए जॉर्जिया को इनाम दिया गया था। सभी ने जॉर्जिया को एक बहादुर फायर वूमेन मान लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो अपने डैड जैसा बनकर बहुत खुश थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।